जी सो आइए आपकी मुलाकात पहली दफा शाने सहूर में अपने शो पे मैं करवाने जा रही हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब विद हिज वाइफ अफशा फारूक। जो इंट्रो था प्रोग्राम तो उसी पे खत्म हो गया। बाबी कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। प्लीज आइए, आइए आइए। ये डब्ल्यू बी बाई अमानी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आप लोगों के साथ ही रखा है। थैंक यू सो मच। यहीं रख देती हूं। बैठे बैठे ओके बैठ जाते करीब बैठ जाए बेगम के कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा कोई आ गया तो क्या होगा? नहीं कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आने देगा। गुंजाइश नहीं है ना? नहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कोई नहीं आने देगा। कैसे आप लोग ठीक ठाक है? ठीक है। ये इन्होंने तीसरा तीसरा वाला क्या कहा भाई कहानी? वही मैंने कहा गुंजाइश नहीं। वो चार की इजाजत के वाले भी है ये आदमी क्योंकि मेरे मियाँ को बड़ा शौक है। ये तो चार है, चार इजाजत है। किसके मियाँ को नहीं है? है ना, वो तो हर शरीफ आदमी वो है जिसे मौका नहीं मिला भाई। माशाल्लाह से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप पहली दफा मेरे शो पे आए हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। आपने बुलाया इतने प्यार से, हम लोग खुशी खुशी आते हैं। आपके शो को इसके बावजूद भी हम पॉलिटिसाइज नहीं होने देंगे, मैं ये गारंटी करता हूँ। आप वैसे भी कोई पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो मैं इधर उधर देख रही होंगी कि अच्छा इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। हम आसान जबान में बताएंगे। न्यूज चैनल एक्चुअली अब्बू लगाते थे पहले शादी से पहले, उसके बाद मियाँ लगा रहे होते हैं, फिर मैं मियाँ से पूछ रही होती हूँ अच्छा इसका क्या मतलब है। अब थोड़ा थोड़ा बता दो क्योंकि मुझे इंटरव्यूज लेने होते तो मैं क्रिकेट और न्यूज ये दोनों ऐसे जिसमें मुझे उबूर नहीं हासिल। बाकी तो मुझे भी अभी तक नहीं आया, हालांकि बहुत साल हो गए शादी। आप कुछ ब्लंडर कर रही होती है इस तरह कुछ कर रही हो कुछ का कुछ बोल दिया? नहीं नहीं लेकिन कभी कभी मशवरे बहुत अच्छे देती है।